नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix GT10 Pro vs Tecno Power 5 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 10 Pro में 6.4 इंच जबकि Power 5 Pro 5G में 6.63 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 10 Pro में 2.98 इंच जबकि Power 5 Pro 5G में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 10 Pro में 0.32 इंच जबकि Power 5 Pro 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 10 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो 10 Pro में 187 ग्राम जबकि Power 5 Pro 5G में 220 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि 10 Pro से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 10 Pro में AMOLED जबकि Power 5 Pro 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 10 Pro में 6.67 इंचेस जबकि Power 5 Pro 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 10 Pro में 85.85% जबकि Power 5 Pro 5G में 84.81% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 10 Pro में 403 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Power 5 Pro 5G में 396 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 10 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Power 5 Pro 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 10 Pro में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Power 5 Pro 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 10 Pro में Mali G77 MC9 जबकि Power 5 Pro 5G में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 10 Pro में MediaTek Dimensity 8050 MT6893 और Power 5 Pro 5G में MediaTek Dimensity 6080 MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो 10 Pro में 8GB की RAM मिलती है जबकि Power 5 Pro 5G में 0 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 10 Pro में 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Power 5 Pro 5G में 0 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 10 Pro 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 24,990 रुपीस में मिल जाता है और बात करें Power 5 Pro 5G की तो वो 16,390 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 10 प्रो आगे है, मेन कैमरा में 10 प्रो आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 10 प्रो आगे है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।